नमस्ते, मैं हूं बाल रोहतगी। जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आप सब ने सोनू निगम जी का वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां पर उन्होंने बात करी है कि कैसे भूषण कुमार उनके पास गिड़गिड़ाते हुए आए थे फॉर रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग, एंड कैसे वो चाहते थे कि वो स्मिता ठाकरे जी को मिले, बाल ठाकरे जी को मिले, कर्टसी सोनू निगम। तो सोनू निगम जी एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, ये एक सच है कि वो इतना शायद फेम नहीं पाए जितना उनको मिलना चाहिए था। ही डिड नॉट गेट सो मच ऑफ फेम दैट ही डिजर्व्स बिकॉज ही इज एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। तो मुझे अब जाके समझ पड़ा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली उनका वीडियो देखा, तो मुझे समझ पड़ा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कितना नेपोटिज्म और गुंडागर्दी है। म्यूजिक इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय टी सीरीज, एंड टी सीरीज के हेड भूषण कुमार है आज की तारीख में, जो ऑब्वियसली बहुत सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि सोनू निगम का एक वीडियो भी मैंने वो वीडियो में सोनू निगम जी ने यह भी कहा कि कैसे भूषण कुमार मनीरा कुंवर करके एक अपकमिंग एक्ट्रेस का के साथ गलत बर्ताव कर रहे थे, बिकॉज शी वेंट टू मीट हिम फॉर अ म्यूजिक वीडियो एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हर वर्क ही वॉन्टेड टू काइंड ऑफ एंड इन रिटर्न ऑफ गिविंग हर वर्क ही वॉन्टेड टू स्लीप विद हर। तो उन्होंने मनीरा कुंवर को एक फ्लैट में मिलने गए, एंड वो फ्लैट उनका था, एंड मनीरा कुंवर का भी मैंने वीडियो देखा जहां पर शी इज सेइंग दैट यू कैन सी सीसीटीवी फुटेज कि मैं इस फ्लैट में गई एंड दिस फ्लैट इज ओन्ड बाय भूषण कुमार, एंड भूषण कुमार कैसे एक स्विफ्ट गाड़ी में आए उनको मिलने के लिए, विच हैड काले कांच, एंड काले कांच इज नॉट अलाउड इन बॉम्बे, वी ऑल नो दैट। तो ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि भूषण कुमार यू आर रियली वेरी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज आपके ऊपर बाकी लड़कियों ने भी शायद आरोप लगाया है ऑफ ड्यूरिंग दैट मी टू कैंपेन, बट ये दूसरी बात है कि आप रिच हैं, आप म्यूजिक इंडस्ट्री को ओन करते हैं क्योंकि आप टी सीरीज के मालिक हैं, तो ये आपकी जो गुंडागर्दी है ये बहुत ज्यादा गलत है, बिकॉज सोनू निगम का काम भी आपने छीना है, आपने और एक सुपरस्टार ने, जिस सुपरस्टार का नाम शायद सलमान खान है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग द वे आई एम हियरिंग दीज थिंग्स राइट नाउ, बिकॉज सोनू निगम से गाना भी गवाया जाता है और फिर उनका गाना गवाने के बाद उनको वो गाना किसी और से डब करवाया जाता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, एंड दिव्या खोसला कुमार जो भूषण कुमार की वाइफ है वो ऑब्वियसली अपने पति के समर्थन में आई है। आई कैन अंडरस्टैंड हर प्लाइट, बेचारी एक फिल्म ओल्ड एक्ट्रेस थी जब भूषण कुमार के साथ शादी हो गई, शादी होने के बाद वो डायरेक्टर भी बन गई एंड ऑब्वियसली टी सीरीज की सारी फिल्मों में एक्टिंग भी करती है, सो आई थिंक शी डजंट वांट टू गिव अप हर लाइफस्टाइल एंड हर सो कॉल्ड यू नो luxurious lifestyle and her so-called title of being a director and blah 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 and the power that she has because she's Bhushan Kumar's wife. So, theek hai, Divya Khosla Kumar, aap apne husband ka sexual रामदेवू छुपा सकती हैं, मगर सच कभी छुप नहीं सकता। बहुत सारी लड़कियों ने आपके हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया है और ये लड़कियां सीसीटीवी फुटेज और ये सब का समर्थ यू नो एग्जांपल दे रही है एज प्रूफ। सो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि इफ उनको किसी भी लड़की को मिलना है रिलेटेड टू वर्क, आई डोंट थिंक ही नीड्स टू मीट देम इन सम फ्लैट, ही शुड मीट देम एट द ऑफिस एंड दैट्स अबाउट इट, नॉट मीट देम इन सम स्विफ्ट कार विद ब्लैक ग्लासेस। मगर दिव्या खोसला कुमार, आप अपना कर्मा कर रही हैं, क्योंकि आप अगर अपने हस्बैंड को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगी और ऐसे उनके बैड हैबिट्स और उनकी सेक्सुअल रोंदेवों को छुपाएंगी, तो ये ऑब्वियसली आपको खराब लाइट में डालता है, क्योंकि आप एक अच्छी लेडी लग रही थी मुझे, एंड यू आर प्रिटी लुकिंग वुमन ऑल्सो, एंड इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग सच अ प्रिटी लुकिंग गुड ह्यूमन बीइंग, आपका हस्बैंड ऐसे करता है, एंड इंस्टेड ऑफ यू नो आस्किंग योर हस्बैंड कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप उसका समर्थन कर रही है ब्लाइंडली, तो आई थिंक आप एक अंधभक्त है एंड आई रियली फील वेरी सैड फॉर यू। सैडली बॉलीवुड के अंदर सनी लियोन को बहुत ज्यादा काम मिलता है, सनी लियोन जो एक पॉर्न स्टार है, विदेशी पॉर्न स्टार है, जो ऑब्वियसली कैमरा के सामने सेक्स करती है, महेश भट्ट की डिस्कवरी है, बिग बॉस में आई है और वो अपने हस्बैंड के साथ ये पॉर्न वीडियोस शूट करती है और वो सबसे ज्यादा काम करती है। आई थिंक शी मस्ट हैव वर्कड अ लॉट विद टी सीरीज ऑल्सो, बिकॉज अब तो आपको सबको समझ पड़ गया होगा कि बॉलीवुड में काम किसको सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा कास्टिंग काउच होता है, या तो फिर नेपोटिज्म होता है, या तो आप ऑब्वियसली ये जो एंगल्स देख रहे हैं वो एंगल होता है। सो दिस इज द वे यू गेट वर्क इन बॉलीवुड। सो आई होप दैट हम सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर अपनी आवाज नहीं दबाए, बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर और बहुत सारे आउटसाइडर्स का ड्रीम जुड़ा हुआ है बॉलीवुड के साथ, और हम उनके ड्रीम में उनको हेल्प कर रहे हैं बाय वॉइसिंग अबाउट द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज ये जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो, एंड बॉलीवुड के अंदर से नेपोटिज्म, ये गुंडागर्दी, ये कास्टिंग काउच, ये जो पॉर्न एडिक्शन है, ये
खत्म हो उसके लिए हमें अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए. एंड मोर पावर टू यू सोनू निगम जी, एंड आई होप यू गेट मोर वर्क, बिकॉज ना तो आप जॉबलेस हैं ना तो आप डेस्परेट हैं, मगर इसके बावजूद लोग अगर आपकी बात नहीं मान रहे, लोग यानी दिव्या खोसला कुमार, तो दिखाता है कि वो कितने डम है. दे मस्ट बी द नेक्स्ट सोनम कपूर. नमस्ते.